Hello everyone, welcome back. So class 12, in today class we are going to do our next numerical of income and expenditure with different adjustment. So let's start. Here receipt and payment account is given. Account is going to close on 31st March 2020. So let's start with the adjustment first. So first adjustment is for subscription. Okay. सब्सक्रिप्शन 31st मार्च 2020 एरियर, एरियर मींस आउटस्टैंडिंग, आपको पता है सब्सक्रिप्शन 31st मार्च 2020 विच मींस करंट ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको पता है सबको क्या होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन एडवांस 31st मार्च 2020 एडवांस करंट ईयर का है, ये भी ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो आपको मैंने ट्रिक बता भी लिखी है और आपको ये पूरा बताया कि करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या होता है, प्लस होता है, और करंट ईयर का अगर एडवांस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। सो वी विल राइट सब्सक्रिप्शन हाउ मच, 15,24,000 Now, as you can see, 31st March 2020 arrear, arrear will be add. How much arrear is there? 35,000 So it become 16,59,000. Then subscription advance current year 39,000 less advance 39,000 16,20,000. Okay. Now नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड, प्रीपेड मींस माइनस। सो इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउ मच इंश्योरेंस प्रीमियम वी आर हैविंग, 27,000 इंश्योरेंस प्रीमियम वी आर हैविंग, 27,000 सो इंश्योरेंस प्रीमियम विल कम ऑन एक्सपेंडिचर साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000 less prepaid 3,000 how much 24,000 done. Next adjustment is stationery. So this will be your new adjustment as subscription or prepaid की entry तो हमने कर चुके हैं, लेकिन stationery की adjustment ये नई adjustment है, इसको जरा ढंग से समझेंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, इस तरीके से ये गिवन रहता है स्टेशनरी के एडजस्टमेंट में। सो जस्ट फोकस ऑन द डेट, 31st मार्च 2020 इज द करंट ईयर, 1st अप्रैल 2019 इज द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ओके, यहां पर वन ईयर का टाइम पीरियड रहता है, 1st अप्रैल 2019 क्या हो गया हमारा बिगनिंग, और 31st मार्च 2020 क्या हो गया एंड ऑफ द ईयर। सो अब आपने करना क्या है ये जरा ढंग से समझें। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमेशा प्लस रहती है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग याद रखना, बिगिनिंग में हमेशा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या रहेगी एड, और एट द एंड में हमेशा रहेगी माइनस। याद रहेगा स्टॉक क्या है, स्टॉक जो हमारा होगा एट द बिगिनिंग वो हम एड रखेंगे, और जो एट द क्लोजिंग होगा वो लेस हो जाएगा, और जो क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी है ये इसका उल्टा यानी रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि आपने क्या करना है, एरो बना लीजिए चाहे तो, यहां पर प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। यानी क्रेडिटर ऑफ द स्टेशनरी एट द एंड प्लस होगा, क्रेडिटर ऑफ द स्टेशनरी एट द बिगिनिंग माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। सो स्टेशनरी We are having stationery 89,700. First of all, we are going to add stock
How much? 5000 and creditor 40,000. It will become 1,34,700. Now less stock. How much? 30,000. ₹1,04,700 and 26,000 creditor. 78,700. Okay. Advance stationery paid 2019 and 20. Okay. Now here come advance stationery paid 2019 and 20. यानी ये current year है. Current year का advance हमेशा minus होगा. याद रखना current year का advance हमेशा stationery में minus होगा. Less advance 7,000 and advance for the previous year 2018-19 क्या हो गया previous year हो गया क्योंकि current year हमारा क्या है 1 अप्रैल 2019 till 31 मार्च 2020 ये हमारा current year है लेकिन 2018-19 हमारा क्या है previous year है तो इसका जो advance होगा वो क्या होगा add it will become 76,700. Okay, so now the adjustment has been done. Just we have to put the remaining transaction in the income and expenditure account. So let's start with the receipt item. Two cash in hand, two cash at bank. आपको पता है income and expenditure में ये नहीं आता. Two donation. How much? 720,000. 7,20,000. Interest on investment. ₹18,000. Entrance fees. ₹1,80,000. Interest on bank received. 63,000. Sale of newspaper. 9,000. Okay, so income side is completed. Now come to the payment side. Yani payment ki entry kahan jati hai hamari? Expenditure account. Okay, so first entry is salary 495,000. Second is stationery, we had done the stationery. Billiard table asset hai, ye yahan pe nahi aayega. Investment, it is again asset, ye bhi yahan pe nahi aayega. Miscellaneous expense 75,000. फर्नीचर अगेन असेट नहीं आएगा. इंश्योरेंस प्रीमियम, वी हैड डन द ट्रांजैक्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम. कैश एंड बैंक अगेन ये नहीं आएगा. देखिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया है कि इसमें मैंने कुछ आइटम ऐसे भी डाले हैं जिनका यूज यहां पर नहीं होता, तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए. लेकिन आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट पूरा ढंग से पढ़ा है, आपको पता है उसमें असेट नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है इन चीजों का. नाउ द लास्ट पार्ट इज टोटलिंग. एज यू नो यू हैव टू टोटल द बोथ द साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर.
और जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा उसको आपने क्या करना है, नीचे मेंशन कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस समय जो सबसे बड़ा टोटल है वो हमारा इनकम साइड का है, हाउ मच, 20 लाख 61,000। एंड जब टोटल इनकम साइड का ज्यादा है तो डिफरेंस कहां पर आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहां पे आपने क्या लिखना है, सरप्लस। लेस करेंगे जब आप एक्सपेंडिचर साइड के सरप्लस, इट विल कम 19,3930। ओके, 19,3930। सो दिस विल बी द डिफरेंस विच विल शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड एज सरप्लस। क्लियर क्लास? सो कोई भी अगर एंट्री आपको समझ में नहीं आई है प्लीज मैसेज करिए, मैं आपको उस एंट्री को ढंग से और समझाऊंगा। और अगर आपको आ गई है तो प्लीज इसको अपनी नोटबुक में जरूर बनाइएगा। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।